अक्सर सलमान की फिल्म में उनके डायरेक्टर करते हैं उनकी चमचागिरी। हाँ? लेकिन डायरेक्टर अभिनव ने किया है रणबीर के साथ सलमान को कंपेयर, क्योंकि दबांग के सेट पर शायद नहीं चल सकी थी उनकी डायरेक्टर गिरी। आप सोच रहे होंगे कि कटरीना इतनी डिप्लोमेटिक और डर के क्यों जीती हैं? क्योंकि दूध की जली कैट छाछ भी फूक फूक के पीती है। कटरीना प्यार में नहीं खाना चाहती है फिर से धोखा, इसलिए रणबीर के साथ शादी करने का शायद ढूंढ रही हैं मौका। माना कि हाल ही तक रणवीर सिंह करते थे दीपिका का फनी बोन टिकल, अब लगता है इन दोनों के बीच वो रोमांस हो रहा है फिजल। इसलिए दीपिका अपने सिंगल स्टेटस को कर रही हैं फ्लॉन्ट, because she wants to stay out of any messy gossip pickle. Huh? Welcome to yet another scintillating episode of 10 Lies. Kangana ko lagta hai Bollywood mein unka career hai behad insecure. Katrina ne khul kar di shaadi par apni raaye, because Ranbir ke commitment ko lekar shayad wo nahi hai sure. Aur naughty director Karan Johar ne Kareena aur Imran ko real life mein shaadi kar lene ka sujhav dekar kiya statement, which may sound immature. Khabre aur bhi hai, but let's start with 10 Lies number 10. ट्रेंड लाइन नंबर 10 में है सलमान खान, जिन्हें डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने रणबीर कपूर के साथ कंपेयर किया। रणबीर को कहा हार्ड वर्किंग और सलमान को कहा स्पॉन्टेनियस और भुलक्कड़। कहीं ये कंपैरिजन दोनों स्टार्स के बीच ना करा दे टक्कर, वहीं शायद कोई सलमान को चिढ़ाने की भी कर रहा है कोशिश। हियर आर द डिटेल्स। गोरी तेरे प्यार के ट्रेलर में इमरान खान सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया कि एक गाने की लाइंस बोलते नजर आ रहे हैं और करीना उन्हें सलमान खान बुला रही है। क्या फिल्म के प्रोड्यूसर्स हंसी मजाक में सलमान या उनकी फिल्म का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? वहीं जब डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और रणबीर कपूर को कंपेयर करते हुए कहा कि सलमान कभी कभी अपने डायलॉग्स भूल जाते हैं लेकिन कई बार स्पॉन्टेनियसली डायलॉग बोल भी देते हैं और वो काम भी कर जाता है, वहीं रणबीर अपनी लाइंस जम कर रिहर्स करते हैं, अभिनव के इस कंपैरिजन से कहीं सलमान और रणबीर में जंग ना छिड़ जाए। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो हु फायर्स द फर्स्ट सैल्वो। क्या जबरदस्त रिहर्सल करने के बाद भी बेशरम स्टार रणबीर छीन सकेंगे दबंग सलमान की स्टारडम की चेयर? सिमी, अक्सर सलमान की फिल्म में उनके डायरेक्टर करते हैं उनकी चमचागिरी, लेकिन डायरेक्टर अभिनव ने किया है रणबीर के साथ सलमान को कंपेयर, क्योंकि दबांग के सेट पर शायद नहीं चल सकी थी उनकी डायरेक्टर गिरी। और डेडलाइन नंबर 9 में है रणबीर कपूर, जिन्होंने एक अगली स्पैट के चलते डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन किया और कॉन्ट्रोवर्सी से रखा खुद को दूर। हियर आर द डिटेल्स ऑन दिस वन। लगता है कॉन्ट्रोवर्सीज रणबीर कपूर का साये की तरह पीछा करते हैं। अगर सोर्सेस की माने तो रणबीर डायरेक्टर अनुराग बासु और एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर नाइट क्लब में चिल आउट कर रहे थे। रणबीर के साथ बैठे इस रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ने एक अपकमिंग बिलियनर की कर दी इंसल्ट। नतीजा उस बिलियनर के बॉडीगार्ड और रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर के बॉडीगार्ड्स में शुरू हो गई मुक्केबाजी, लेकिन लकीली सिचुएशन कंट्रोल में लाया गया। थ्रू आउट द फाइट रणबीर ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया और ना तो कोई कमेंट पास किया ना डिस्टर्ब हुए। लगता है रणबीर हैज नाउ परफेक्टेड द आर्ट ऑफ रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड इज बिजी फोकसिंग ऑन द बिग विजन। रणबीर ने कंट्रोल किया अपने बदतमीज दिल, क्योंकि वो नहीं भरना चाहते थे किसी और के खुराफात का बिल। इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कीपिंग क्वाइट इज द बेस्ट डील। राइट सेमी। प्राइवेट लाइफ में रणबीर कपूर बन के रहना चाहते हैं फिल्म बर्फी के कैरेक्टर की तरह क्वाइट, और करियर के मामले में रॉकेट सिंह की तरह लेना चाहते हैं फ्लाइट। शायद इसलिए वो दूर रहना चाहते हैं फ्रॉम एनी कंट्रोवर्सी और फाइट। ट्रेंड लाइन नंबर 8 बनी है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने बड़ी चतुराई से मीडिया का ध्यान रणबीर के अफेयर से हटाकर अपनी फिल्म की सक्सेस और फैमिली के साथ बॉन्डिंग की ओर डाइवर्ट किया है। हियर आर डिटेल्स।
रिपोर्टली शाहरुख खान और फराह खान ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के क्रू के लिए थ्रो की एक पार्टी, जिसके लिए दीपिका के डैड बने गेस्ट ऑफ ऑनर। दीपिका ने बड़ी चतुराई से मीडिया का ध्यान अपने और रणवीर सिंह के अफेयर से हटाकर अपनी फिल्म के सक्सेस और फैमिली बॉन्डिंग पर बना दिया है। दीपिका वाकई काफी स्मार्ट है, अपने करियर में तो सक्सेस की ऊंचाई छू रही है, साथ ही रणवीर सिंह से जुड़े रूमर्स पर भी सबका ध्यान हटा रही है। बार बार रणवीर सिंह के साथ स्पॉट किए जाने की खबर से लगता है दीपिका हो गई है तंग, इसलिए आजकल वो पार्टी कर रही है अपने डैड के संग। सिमी, माना कि हाल ही तक रणवीर सिंह करते थे दीपिका का फनी बोन टिकल, अब लगता है इन दोनों के बीच वो रोमांस हो रहा है फिजल। इसलिए दीपिका अपने सिंगल स्टेटस को कर रही है फ्लॉन्ट, बिकॉज शी वांट्स टू स्टे आउट ऑफ एनी मेसी गॉसिप पिकल। टेंटलाइज नंबर 7 बनी है करीना कपूर, जिनकी शादीशुदा जिंदगी पर मंडरा सकता है खतरा, क्योंकि नटखट डायरेक्टर करण जौहर ने दी है इमरान और करीना को रियल लाइफ में शादी करने की सलाह। अब क्या करेंगी करीना, चेक इट आउट। ग्रेप वाइन की माने तो डायरेक्टर करण जौहर ने मजाक में कहा कि करीना और इमरान को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। करण का मानना है कि करीना और इमरान दोनों ही स्क्रीन पर गॉर्जियस दिखते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों ऑफ स्क्रीन शादी कर लें। इस पर करीना ने स्पोर्टिंगली पूछा, फिर सैफ का क्या होगा? करण ने इस पर करीना को कहा कि दैट्स बिटवीन यू एंड सैफ। इमरान खान भी पीछे नहीं रहे और ये कहने लगे कि करीना और उनकी बीवी अवंतिका के बीच में काफी सिमिलैरिटीज है। जो भी हो, हमें यकीन है कि करीना ऑन स्क्रीन से ज्यादा ऑफ स्क्रीन अपने पति सैफ के साथ केमिस्ट्री बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी। करीना और इमरान फिल्म में एक मैं और एक तू में दिखे एज इफ दे वर स्टक बाय सम मैजिकल ग्लू, लेकिन करीना और इमरान की वो रियल लाइफ में शादी का सजेशन सुनकर सैफ का मूड ना हो जाए ब्लू। सेमी, लगता है करीना सैफ के प्यार में फील कर रही है काफी सेफ, तभी शायद इमरान से शादी करने की सलाह पर शी डिड नॉट टेक करण जौहर्स केस। टेंटलाइज नंबर 6 बनी है कटरीना कैफ, जो शायद रणबीर के प्रपोजल का इंतजार करके थक गई है और इसलिए खुलकर एक्सप्रेस कर रही है अपने शादी को लेकर अपने विचार। हियर आर द जूसी डिटेल्स। एक इंटरव्यू में कटरीना का कहना है कि आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं पर शादी नहीं। कटरीना के मुताबिक वो तो शादी का प्लान बना ले, लेकिन लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है ये कहना मुश्किल है। वो कहती है, मैं सिर्फ उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं दीवानों की तरह चाहती हूँ और उससे भी मुझे उतना ही प्यार मिले। लगता है कटरीना रणबीर को हिंट दे रही है कि वो वरमाला लेकर कमिटमेंट के लिए रेडी है। अब देखना यह है कि क्या रणबीर इशारे को समझते हैं और सहरा बांधने के लिए कब होते हैं तैयार। कटरीना, शादी को लेकर रणबीर का मूड कभी रहता है नरम तो कभी गरम। आप भी प्रपोजल के मामले में बन जाओ बेशरम, कहते हैं ना जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आप सोच रहे होंगे कि कटरीना इतनी डिप्लोमेटिक और डर के क्यों जीती हैं? क्योंकि दूध की जली कैट छाछ भी फूक फूक के पीती है। कटरीना प्यार में नहीं खाना चाहती है फिर से धोखा, इसलिए रणबीर के साथ शादी करने का शायद ढूंढ रही हैं मौका। ट्रेंडलाइज नंबर 5 बनी है मलाइका अरोरा खान, जिन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर किया कटरीना कैफ को जब वो आई थी गणपति सेलिब्रेशन के लिए सलमान के घर। इससे पहले भी मलाइका कटरीना को कोल्ड शोल्डर विद द आइस ऑन द शोल्डर ट्रीटमेंट दे चुकी है। हियर आर द रिपोर्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर। अगर रूमर की माने तो मलाइका अरोरा खान ने सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना को किया स्नब। कैट्स अभी भी सलमान से दोस्ती मेंटेन कर रही है और इसलिए गणपति सेलिब्रेशंस के लिए उनके घर आई, लेकिन भाभी मलाइका देवर सोहेल और उनके दोस्तों के साथ एक कोने में बैठी रही, मानो कटरीना वहां मौजूद ही नहीं हो। अपेरेंटली मलाइका कटरीना को पहले से ही कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन सलमान के साथ ऑफिशियल ब्रेकअप के बाद तो मलाइका कैट्स के साथ फॉर्मेलिटी के लिए भी दोस्ती निभाना नहीं चाहती। इस कोल्ड वॉर में अब कैट्स क्या पलटवार करती है, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस सिचुएशन में मैं तो बस यही कहूंगा कि मुन्नी बदनाम हुई, जेट सलमान तेरे लिए, कटरीना को उन्होंने इग्नोर किया, डार्लिंग तेरे लिए। सिमी,
मलाइका अनारकली को शायद लगता था कि कटरीना नहीं है दूध की धुली और सलमान और कटरीना की नहीं खिल सकी अब प्यार की कली, इसलिए उन्होंने ऑफिशियली इग्नोर करके दिखा दी कटरीना को पतली कली। टेंटलाइज नंबर 4 बने हैं ऋतिक रोशन, जो जूझ रहे हैं बेसलेस रूमर से कि उनकी बीवी सुजैन रोशन उनसे दूर रहने लगी है। हियर इज अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ हाउ द रूमर मॉन्गर्स आर आउट टू डिस्ट्रॉय ऋतिक्स लव नेस्ट। कुछ रूमर मॉन्गर्स ने कर दिया है ऋतिक रोशन के ब्लिसफुल लव लाइफ को डिस्टर्ब। इन रूमर मॉन्गर्स की माने तो हाल ही में हुई राकेश रोशन की बर्थडे बैश पर सुजैन आई सिर्फ 10 मिनट के लिए। दूसरा रूमर है कि सुजैन अब रहने लगी है अपने पेरेंट संजय खान के घर और ऋतिक को रेयरली मिलती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सुजैन से जुड़े सोर्सेज की माने तो उनके डैड यानी संजय खान आजकल रहते हैं बीमार और इसलिए सुजैन उनके साथ ज्यादा वक्त बिताती है। आफ्टर ऑल सुजैन जिस तरह से ऋतिक के लिए डिवोटेड है वैसे ही वो अच्छी बेटी भी है। वी होप ऑल दिस अगली rumors come to an end and Ritik and Suzanne again settle down in the warmth of their love nest. Mischief mongers ne afai phailai hai ki Ritik ko koi mil gaya aur Suzanne ke sath unka rishta hil gaya. Had kar di yaar. Time for a semi snap. Ritik Roshan abhi ubre hain apni surgery se aur ab gossip mongers kar rahe hain unhe bother bebuniyad rumors se. Wife Suzanne hamesha deti hain habi Ritik ka saath, to agar wo kuch time ke liye maike chali gayi to bhala isme shak karne wali kaun si hai baat. A to Z of Bollywood mein aaj hai P for passion, jiski umeed har director apne actor se on screen karta hai, lekin aksar ye passion off screen nazar aata hai aur phir T for thunder response film box office par pid jati hai. लेकिन आपको मिलेगा गर्मा गर्म गॉसिप विद चाय इस छोटे से ब्रेक के बाद। सोनाक्षी की अगर दोनों फिल्म्स क्लैश होती तो प्रमोशन के वक्त लोग कहते एहसान फरामोश, लेकिन बड़ी चतुराई से अपने डैड की स्टाइल में सोनाक्षी ने पहले ही कर दिया है सबको खामोश। टेंडलाइज नंबर 3 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जो फंस गई हैं बुलेट राजा और फिल्म रैम्बो राजकुमार के रिलीज के बीच। दोनों फिल्म्स होने वाली थी एक साथ रिलीज, लेकिन सोनाक्षी ने अपने सूझबूझ से इस समस्या को हल कर दिया। हियर आर द डिटेल्स। अगर सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी की नींद उड़ गई जब उन्हें पता चला कि उनकी दोनों फिल्म्स बुलेट राजा और रैम्बो राजकुमार क्लैश होने जा रही है। इस क्लैश से बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्म्स को नुकसान होगा। सोनाक्षी ने बड़ी चतुराई से रैम्बो राजकुमार के प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर ले। लकीली रैम्बो राजकुमार के कुछ सीन शूट होने बाकी हैं और इसलिए प्रोड्यूसर सोनाक्षी की बात मान गए। लगता है सोनाक्षी ना सिर्फ ऑन स्क्रीन अपना जलवा बिखेर रही है पर ऑफ स्क्रीन भी लोगों को शॉर्ट गन की बेटी होने का सबूत दे रही है। मेरे ख्याल से सोनाक्षी ने इस पेचीदा प्रॉब्लम का निकाल दिया है तोड़, क्योंकि इंस्पिरेशन मिली है उन्हें फ्रॉम दबंग खान एंड राउडी राठौर। सिमी, सोनाक्षी की अगर दोनों फिल्म्स क्लैश होती तो प्रमोशन के वक्त लोग कहते एहसान फरामोश, लेकिन बड़ी चतुराई से अपने डैड की स्टाइल में सोनाक्षी ने पहले ही कर दिया है सबको खामोश। टेंडलाइज नंबर 2 बनी है कंगना रनौत, जिन्होंने अपेरेंटली ये कहा है कि बॉलीवुड एक इनसिक्योर जगह है। मोर ऑन दिस राइट हियर राइट नाउ। कंगना के मुताबिक बॉलीवुड एक इनसिक्योर जगह है, जहां एक दिन आपके पास काम होता है तो कभी 6-6 महीनों तक काम नहीं मिलता। कंगना ये भी कहती है कि उन्होंने बॉलीवुड में सब कुछ सीखा है, लेकिन करियर की शुरुआत में उनका कोई मेंटोर होता तो उनके करियर में 4 चांद लग जाते। भट्ट साहब सुन रहे ना आप? जो भी हो कंगना, भले ही आपको किसी गाइडेंस ना मिली हो, लेकिन आज बॉलीवुड में जो आपने हासिल किया है उसे देखते हुए हमारी नजर में तो आप एक अचीवर ही हैं। कंगना, बॉलीवुड में डोंट बी सो सिंपल एंड इजी। भले ही आपके पास काम कम हो, इस लाइन में आपकी तभी कदर की जाएगी व्हेन यू ऑलवेज प्रिटेंड टू बी बिजी। एम आई राइट सिमी? कंगना बॉलीवुड में होते हैं जिनके गॉड फादर, उन्हें अक्सर अपने रिश्ते पर डालनी पड़ती है झूठ की चादर। आपकी तरह जो अपने टैलेंट के बलबूते पर पाता है सक्सेस, उनकी इंडस्ट्री में होती है ज्यादा कदर। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर गुरुदत्त साहब की फिल्म कागज के फूल बॉलीवुड की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी? आपके गॉसिप का स्कोप हम बढ़ाते रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
After her Hollywood and Bollywood debacle, Mallika's self-esteem has taken a blow. What? इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर साइन किया है उन्होंने अब टेलीविजन रियलिटी शो. अब तो डेस्परेशन में करना चाहती हैं वो टीवी फिक्शन शो. दरअसल मलिका जानती हैं शी हैज मिस द बस एंड कैन नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड मेनस्ट्रीम फ्लो. टेंटलाइज नंबर वन बनी है मलिका शेरावत, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अच्छा रोल मिलने पर वो टीवी पर फिक्शन शो भी करने के लिए तैयार है. लगता है मलिका की बॉलीवुड फिल्म की दुकान बंद होती नजर आ रही है, शायद वो ऑप्शंस के बारे में सोच रही है. Reportedly, Mallika Sheherawat is now showing interest in television fiction shows. उनका कहना है कि अगर fiction TV soap में उन्हें अच्छा role मिले तो वो करना चाहेंगी और अच्छे पैसे भी होने चाहिए साथ में. उनका मानना है कि उनके glamorous image की वजह से उन्हें फिल्मों में interesting roles नहीं मिलते. वैसे देखा जाए तो मलिका की दाल Hollywood में भी नहीं गली और Bollywood में उनकी films नहीं चली. बड़े पर्दे पर हाँ सही, पर हम उम्मीद करते हैं कि मलिका को छोटे पर्दे पर सक्सेस ज़रूर मिले. लगता है मलिका शेरावत टेलीविजन पर दिखाएंगे घर घर की कहानी, पर क्या टेढ़ी जलेबी बाई बन पाएंगी सीधी सादी बहू रानी सिमी. After her Hollywood and Bollywood debacle, Mallika's self-esteem has taken a blow. इसलिए frustration में आकर sign किया है उन्होंने अब television reality show. अब तो desperation में करना चाहती हैं वो TV fiction show. दरअसल Mallika जानती हैं she has missed the bus and can no longer be a part of the Bollywood mainstream flow. Bollywood भविष्यवाणी साल 2060 में आलिया भट्ट की बेटी बनेगी सलमान की हीरोइन, क्योंकि 2060 में भी सलमान रहेंगे एवरग्रीन. और आलिया को याद आ सकते हैं अपने जवानी के दिन. तो सी यू नेक्स्ट वीक फॉर वन मोर गॉसिप सेशन ओनली ऑन टेंटलाइज़, ओनली ऑन ज़ूम, इंडियाज़ नंबर वन बॉलीवुड चैनल.